जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उनका बायोमेट्रिक डिटेल्स लिया जा रहा है। जो लोग बार बार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि बार बार ड्रिंक का, तो उनको पकड़ा जा सकता है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इसके बाद अब एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं मद्य निषेध विभाग की तरफ से किया गया। आपको बताएं कि मद्य निषेध विभाग के सचिव ने इस बात की जानकारी दी है कि अब एक नया प्रयास मद्य निषेध विभाग की तरफ से और इकाई की तरफ से की जा रही। आपको बताएं कि अब शराबियों की खैर नहीं होगी। जी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी शराब पीते हुए पकड़ाते हैं पहली बार उनको फाइन देकर छूटने का प्रावधान, कई बार गाड़ियां जब्त होती है, और दूसरी बात अब उनको अंगूठा लगाना होगा, बायोमेट्रिक पुलिस उनसे जो है उनके तमाम चीज़ों को बायोमेट्रिक जो है डिटेल्स ले। जी हाँ, इसकी जानकारी देते हुए मद्य निषेध विभाग के सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। प्रयास शुरू हुआ है कि जितने भी लोगों का जितने लोग शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उसमें अगर दोबारा पकड़े जाएंगे तो एक वर्ष की सजा है। तो जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उनका बायोमेट्रिक डिटेल्स लिया जा रहा है। तो अब पिछले माह से हम लोगों ने पिछले 2-3 माह से उसमें हम लोग जो रिपीट ऑफेंडर हैं यानी कि दोबारा पकड़े जाते हैं, तो वो जो भी दोबारा पकड़ा जाता है उसको हम लोग बायोमेट्रिक से जांच कराते हैं। जांच करा के दोबारा आ जाता है तो उसको हम साक्ष्य के साथ न्यायालय में देते हैं, जिससे ताकि जो लोग बार बार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि बार बार ड्रिंक का, तो उनको पकड़ा जा सके। तो ऐसे जो मामले हैं अभी तक जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं वो उत्पाद विभाग के द्वारा 2171 और पुलिस विभाग के द्वारा 1395, कुल 3466 लोग ऐसे पकड़े गए जिनको दोबारा पकड़ा गया। तो ऐसे मामलों का ट्रायल चल भी रहा है जिसमें से कई मामलों में लगभग जो ट्रायल कंप्लीट हो के एक साल की सजा भी हुई है। कितना था वो डाटा, लगभग 461 मामलों में न्यायालय से भी वो हमारे साक्ष्य को मानते हुए उसमें सजा दी गई है। आज तक इस वीक में जो हमारी प्रगति हुई है, वीकली प्रगति जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि लगभग 33,700 छापेमारी हुई है एक वीक की। ये कार्यवाही का विवरण है जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा 17,600 छापेमारी और पुलिस विभाग द्वारा 16,000 छापेमारी किया गया है। इसमें इन छापेमारियों के बाद जो अभियोग दर्ज किए गए हैं, कुल 4,518 अभियोग दर्ज किए गए हैं, और जिसमें से मद्य निषेध विभाग का है 2,858 अभियोग और पुलिस विभाग का 1,660 अभियोग, और जो गिरफ्तारी हुई इसमें 9,142 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो विद इन वन वीक, जिसमें मद्य निषेध विभाग ने 6,035 लोगों की गिरफ्तारी की है जबकि पुलिस विभाग ने 3,100 लोगों की गिरफ्तारी की है। कुल जब्ती जो इस बीच में हुई है वो 62,587 लीटर देशी शराब और 61,042 लीटर विदेशी शराब, तो कुल मिलाकर 1,23,600 लीटर के आसपास शराब बरामद किया है, जिसमें मद्य निषेध विभाग ने जो जब्ती की है उसमें 44,000 लीटर की जब्ती की है और पुलिस विभाग द्वारा 79,000 लीटर की जब्ती की है। और होम डिलीवरी जो नॉर्मली जैसे मान लीजिए सप्लाई में या होम डिलीवरी में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कुल 275 गिरफ्तार व्यक्ति हैं। 384 वाहन इस वीक में सीज किए गए हैं जिसमें से 130 वाहन जो है मद्य निषेध विभाग ने जब्त किए हैं और पुलिस विभाग ने 254 वाहन जब्त किए हैं। और इसी तरह से इस मंथ में अब तक की जो प्रगति है उसमें कुल छापेमारी है 93,716। तो आपने सुना साफ तौर से, दूसरी बार अगर कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में या शराब पीते हुए पकड़ाता है तो उसको अंगूठा लगाना होगा। मशीन पर सब चीज़ उसमें डिटेल्स मशीन के अंदर चली जाएंगी, कब कहां आपने कैसे पिया वो तमाम डिटेल्स उस मशीन में होगी, और उसके बाद पुलिस आपको कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। आप बहानाबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर आप शराब पीकर पुलिस के सामने बहाना करेंगे कि मैंने पहले तो नहीं पी अब पी रहा हूँ, तो आप छुप कर भाग नहीं सकते हैं। आपने साफ साफ सुना सचिव क्या कुछ कहे हैं, क्योंकि अब दूसरी बार पकड़ाने पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगेगा और पूरी डिटेल्स पुलिस को पता चल जाएगी। बड़ा
इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूल। धन्यवाद।